नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पे। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। बड़ी खबर में हम बात करेंगे हैपनिंग हरियाणा की, जिसका आज दूसरा दिन है, लेकिन जितनी उम्मीदें इस समिट से लगाई गई थी, क्या वो उम्मीदें पूरी हो पाई है, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। इस समिट में 12 देश कंट्री पार्टनर के तौर पर शामिल थे। ये समिट का आज दूसरा दिन है और दूसरा और अंतिम दिन है, लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि इस राह में बड़े कांटे हैं, तो ऐसा क्यों है, इसको समझने की पूरी कोशिश होगी। हम उन चुनौतियों की बात करेंगे। अब जो निवेश की बात की जा रही है, कहा यह भी जा रहा है कि जो निवेशक हैं वो पहले से ही इस प्रदेश के अंदर मौजूद हैं, वो सिर्फ अपनी अपनी योजनाओं के विस्तार की बात रख रहे हैं। कितने निवेशकों को खट्टर सरकार के ये समिट लुभा पाई है और चुनौतियां क्या क्या होंगी, इन पर हम बात करेंगे। पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। हैपनिंग से हैप्पी सरकार, उम्मीद से ज्यादा का वादा पूरा हुआ। हैपनिंग की चुनौतियां अभी बाकी हैं। दो दिन तक चले खट्टर सरकार के ड्रीम इन्वेस्टमेंट प्लान हैपनिंग हरियाणा ने सरकारी उम्मीदों को पंख दे दिए हैं। उम्मीद से ज्यादा पर फूली नहीं समा रही सरकार, निवेशकों के भरोसे पर गदगद है। आंदोलन से बर्बादी की कगार पर पहुंचे हरियाणा को सहारा देने का सहारा सरकार को लाखों करोड़ों के निवेश में नजर आ रहा है, तो इस सहारे के साथ चुनौतियों की समस्या भी सामने है। चलिए पहले आपको बताते हैं कि दो दिन के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हरियाणा को क्या क्या हासिल हुआ। पहले दिन 40 MOU पर साइन हुए। पहले दिन 1,28,740 करोड़ रुपए के निवेश का दावा हुआ। दोनों दिन मिलाकर हरियाणा में करीब 4.5 लाख करोड़ निवेश का दावा। इनमें अधिकतर कंपनियां पहले से ही हरियाणा में बिजनेस कर रही हैं। कुछ कंपनियों ने विस्तार का भरोसा दिलाया है। समिट के दूसरे दिन सीएम खट्टर ने सौर ऊर्जा नीति 2016 जारी की। इस नीति का लक्ष्य हरियाणा में निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है। इस नीति के जरिए 2022 तक हरियाणा की सौर ऊर्जा क्षमता को 4000 मेगावाट तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में सोलर पार्कों की स्थापना का लक्ष्य, पावर प्लांट लगाने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। दूसरे दिन राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी, योग गुरु बाबा रामदेव, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर भी समिट का हिस्सा बने। सीएम खट्टर ने निवेशकों पर खुशी जताई और 2018 में दूसरा समिट किए जाने का भरोसा जताया। Can I announce that the second global investor summit will be held in 2018? 2018. Yes. इधर योग गुरु बाबा रामदेव ने भी हरियाणा में हुए जाट आंदोलन को आपदा बताकर नैतिक जिम्मेदारी कंधों पर ली है। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि हरियाणा में ऐसा आंदोलन दोबारा ना हो, इसकी जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं। हरियाणा में कोई आंदोलन हो या ना हो, पहली बात तो यह है कि हरियाणा बहुत ही संपन्न प्रदेश है, यहाँ आंदोलन की गुंजाइश बहुत कम रहती है। ये पीछे भी जो हुआ उसमें आंदोलन का पक्ष बहुत थोड़ा था, दूसरी चीज कुछ हो गई। आंदोलन या हो या ना हो, किसी भी तरह की हिंसा, लूटमार और आगजनी ना हो, इसकी राजनीतिक जिम्मेदारी हमारे मुख्यमंत्री की है, तो नैतिक जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूँ। दो दिन के समिट में लाखों करोड़ों के MOU साइन हुए। सूबे में बिगड़े माहौल के बाद भी निवेशकों का एतबार सरकार के लिए राहत लेकर आया, लेकिन इसके बाद शुरू होती है हरियाणा को हैपनिंग बनाने और निवेशकों की उम्मीद पर खरे उतरने की प्रक्रिया, जिसके लिए सरकार को दुगनी चौगुनी मेहनत करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो जिस हरियाणा को हैपनिंग बनाने की कवायद की जा रही है, उसका सिलसिला पिछले कुछ महीनों से चल रहा है। उसको हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की विदेश दौरों से भी समझ सकते हैं, जो यात्राएं उन्होंने की, अमेरिका की, कनाडा की, चीन की, जापान की। इसके अलावा देश में ही कई मेट्रोपॉलिटन सिटीज में उन्होंने रोड शो भी किए। ये कवायदें पहले से की जा रही हैं, लेकिन आज जिस हरियाणा को हैपनिंग करने की कवायद की जा रही थी, उसका आज आखिरी दिन है।
क्या कुछ आया है इस प्रदेश के खाते में, हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट महेंद्र सिंह जी इस वक्त स्टूडियो में हैं। महेंद्र सिंह जी, क्या हिस्से में आया है, कितनी उम्मीदें थी, पहला तो सवाल यही है, कितनी उम्मीदें पाली हुई थी जो कवायदे खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने कंधों पर लेकर कर रहे थे, उन कवायदे पूरी हो रही? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जैसा अभी कहा है अपनी बातचीत में समापन समारोह में कि उन्हें जितने इन्वेस्टमेंट की उम्मीद थी उससे अधिक आया है। 200 सरकार इस बात को लेकर अपनी खुशी जाहिर कर रही है और समिट की सफलता को भी बता रही है। लेकिन मेरा इसमें कई तरह के पॉइंट है, सीधे सीधे पॉइंट है। आपने निवेश तो करा लिया कई लाखों करोड़ रुपए का, अब आप अपने घर को भी देख लीजिए कि वो जो निवेश हो आप होगा उसके लिए आपकी क्या तैयारी है, बेसिक प्रदेश में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या तैयारी है। ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का काम किसका है, लोकल बॉडीज का। लोकल बॉडीज, तमाम लोकल बॉडीज 70-80% मैन पावर की कमी से जूझ रही है। पहली बात तो है ये, और दूसरी बात ये है कि मुख्यमंत्री ने अभी तक इस तरह का कोई रोड मैप या इस तरह का ब्लू प्रिंट अभी तक ये जारी नहीं किया है। ये तो ठीक है कि विभिन्न सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हुआ है, लेकिन सरकार भी अपनी तरफ से ये बताए प्रदेश को कि हमें इस सेक्टर में इतने इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता थी, ये अभी सरकार ने नहीं बताया। क्या उतना इन्वेस्टमेंट हुआ है, नहीं हुआ है, और सरकार किस सेक्टर में सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट की जरूरत समझ रही है कि उस सेक्टर को ज्यादा डेवलप किया जा सके। फिर मेरे एक और पॉइंट है कि हरियाणा स्टेट जो है वो एग्रीकल्चर स्टेट कहा जाता है इसको। फिर हम एक बात और कहते हैं कि 70-80% छोटी बड़ी जो इकाइयां हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। तो इस सेक्टर को लेकर आपकी क्या योजना थी कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वो अभी तक एक मिनट है ना, कितना होना चाहिए और कहां कहां होना चाहिए वो अभी तक बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। सीधे अच्छा, जैसा आज के समापन सत्र में जैसा कि यूनियन मिनिस्टर रविंद्र जी सिंह ने बहुत अच्छी बात कही थी कि आप इन्वेस्टमेंट तो करा रहे हैं, आप अपनी इकाइयों का आप विस्तार भी कर रहे हैं। अब जैसे मान लो कोई किसी को अपनी एक इकाई या एक इन्वेस्टमेंट आपको साउथ हरियाणा के बिल्कुल महेंद्रगढ़ में लगाना है और वो भी नांगल चौधरी एरिया में कोई इकाई लगानी है, तो पूरा एरिया तो पानी की कमी से जूझ रहा है, और कोई भी छोटी बड़ी आप इंडस्ट्री लगाओगे तो पानी की तो सबसे पहले जरूरत होगी, तो पानी की व्यवस्था कैसे होगी। नहीं, एक चीज, एक कंसर्न जो यहाँ पे है, देखिए पूरा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, केंद्र का पूरा बैकअप था, इस बात को आप मानते हैं? इसको तो सपोर्ट केंद्र ने दिया है। इतिहास में ये पहली बार हुआ कि आया राम गया राम की राजनीति इतर एक बहुमत वाली सरकार प्रदेश में आती है और वो इस तरह का एक इन्वेस्टर समिट लाती है, ताकि हरियाणा की जो एक पहचान है, देसा मा देस हरियाणा जहां दूध दही का खाना, ये कहावत हरियाणा के लिए है, इस कहावत को बदलने की कोशिश में सरकार जुटी है कि खेती से भी एग्रीकल्चर से भी उठ के एक औद्योगिक हब के तौर पर भी हरियाणा को जाना जाए, पहचाना जाए। इसके लिए पूरी केंद्र की भी बैकअप हमने इस पूरे प्रोग्राम में देखी। आपको लगता है कि जितनी मेहनत की गई उतना रिटर्न सरकार को मिल पाया है, प्रदेश को मिल पाया? देखो, इन्वेस्टमेंट की जैसे इन्वेस्टरों ने भरोसा दिलाया है, इनमें से कई सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जो पहले से ही यहाँ पर बिजनेस, मैं वही आपको बताऊं, कोई नया बड़ा इन्वेस्टर अभी तक नहीं आया है। बहुत सीधी सी बात है। फिर यूनियन मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने एक आशंका जाहिर की थी कल उद्घाटन सत्र में, बिल्कुल, कि जो ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है ये खाली गुड़गांव में ही सिमट कर ना रह जाए। उन 13 जिलों की भी बात कर रहे थे, उन्होंने 13 जिलों की बात की, मैं उन 13 जिलों से भी बाहर निकलकर बात कर रहा हूं मैं। यानी कि एनसीआर से लगते हुए शहरों को तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, क्योंकि वो एक फेस है हरियाणा का, है ना। लेकिन हरियाणा के और भी तो जिले हैं जहां पर उद्योगों की जरूरत है, छोटे बड़े सभी तरह के उद्योगों की जरूरत है। अच्छा, फिर दूसरी बात यह, अब तक जो हमारी जानकारी में है, जितनी भी छोटी बड़ी यहां पर इकाइयां हैं, बिजनेस की जो चीजें हैं, जो लोकल यूथ है, युवा है, उनको तो रोजगार इनमें है ही नहीं, कोई देता ही नहीं है। तो प्रदेश की बेरोजगारी इस इन्वेस्टमेंट से जो डेवलपमेंट होगा वो कैसे दूर होगी, सरकार को ये बताना चाहिए। और फिर सरकार ये कहते हैं कि हम पर्याप्त सुविधाएं देंगे, हम सुरक्षा का माहौल देंगे। अब सुविधाएं किस तरह की देंगे जब सरकार के तमाम ऑफिसेस 50% अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे हैं, तो वो सुविधाएं कहां से आएंगी? वो काम अच्छा, फिर सरकार की जो काम करने का तरीका है, अधिकारियों का सोचने का जो ढंग है, काम करने का तरीका है, प्रोफेशनल तरीके से कहां वो चीजें दिखाई दे रही है जिस तरह की हम एक अपेक्षा रखते हैं। कि जब डिजिटल इंडिया की बात होती है, स्मार्ट सिटीज की बात हो रही है, तो जो माइंडसेट में बदलाव आना चाहिए वो तो अधिकारियों के और कर्मचारियों के कामकाज में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वही एक पुराने उस हिसाब से चल रहा है। अब आज एक चीज और मुझे आज बहुत
बड़ी अचंभित करने वाली चीज जानकारी मुझे दी थी। हाँ। मैं जो ये समिट हो रही थी वहां मैं सिटी बस से गया। हाँ। अब आप देखिए कि मेरी ड्राइवर से बात हुई, उन्होंने कहा कि साहब 30-35 साल पुराना ही टाइम ये हरियाणा रोडवेज में चल रहा है। ठीक है, बसों का, ट्रांसपोर्ट का। हाँ। नहीं, ये बहुत, ये चूंकि आधारभूत ढांचा है जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान प्रोफेसर बीरेंद्र सिंह चौहान बीजेपी से जुड़ गए हैं, कृष्णमूर्ति हुड्डा कांग्रेस से हमारे साथ हैं। चौहान साहब, एक सवाल बीजेपी के लिए ये कि जो इतने महीनों की जो मेहनत थी निवेशकों को आकर्षित करने की, उसकी एक तरह से आज ये इन्वेस्टर्स समिट खत्म होने जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि जो आधारभूत ढांचा है जिसकी तरफ अरुण जेटली जी ने भी इशारा किया कि नीतिगत सुधार होने चाहिए तभी जाकर के निवेशक आपके पास आएंगे, उसके लिए उस मोर्चे पर हरियाणा कहां खड़ा है? देखिए, जो आधारभूत ढांचे की डेवलपमेंट है जी, उसमें हरियाणा निरंतर आगे बढ़ रहा है। सड़कों के निर्माण की जो गति पूर्व की सरकार के कार्यकाल में थी वो केंद्र सरकार की नीतियों के चलते हुए वो पूरे देश में बढ़ी है और उससे हरियाणा भी उससे लाभान्वित हुआ है। चाहे स्टेट हाईवेज हो चाहे नेशनल हाईवेज हो, उन पर बहुत तेजी से काम पूरे प्रदेश में चल रहा है, लोग देख रहे हैं उसका, वो उसके लिए किसी आंकड़े की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चौहान साहब, जब खट्टर सरकार के मंत्री ही ये सवाल पैदा कर दें या खड़ा कर दें कि सुविधाएं सरकार दे देगी लेकिन माहौल का क्या करें, इस सवाल का जवाब देगा कौन? पॉलिटिक्स देगी या फिर जनता देगी? इस सवाल का जवाब हम सब हरियाणवियों को देना है। केवल सरकार से पूछे जाने वाला सवाल नहीं है, नहीं, सुनिश्चित तो सरकार को करना होगा। सरकार दे भी नहीं सकती, सुनिश्चित तो चौहान साहब सरकार को करना होगा। इन्वेस्टर तो सरकार के पास ही आएंगे, जनता के पास तो जाएंगे नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए सरकार की एक भूमिका होती है फैसिलिटेटर की, कैटलिस्ट की भूमिका होती है। सरकार उस लिहाज से हर मोर्चे पर अपनी तैयारी के साथ खड़ी है। हाँ। परंतु हम सबको जब हरियाणा के विकास की बात हो, हाँ, जब आम हरियाणवी को आगे बढ़ाने की बात हो, हाँ, तो फिर कहीं ना कहीं सियासत को छोड़ना पड़ेगा। हाँ। कहीं ना कहीं सियासत नहीं छोड़ी जा सकती, मैं थोड़ा ठीक करूंगा अपने आप को। हाँ। लेकिन चौहान साहब, हम ये चूंकि चलिए हम ठीक है, हम आधारभूत ढांचे पे मैं फिर से आ रहा हूँ, चूंकि हम ये बात इसलिए उठा रहे थे, इस प्रदेश के अंदर ही जो लोकल बॉडीज हैं, चूंकि काम उन्होंने ही करना है और जिस आधारभूत ढांचे की हम बात कर रहे हैं वो उन्होंने इसको तैयार भी करना है। HSIIDC की हम बात करते हैं, नगर निगम की हम बात करते हैं, हम बात करते हैं हुडा की और जिला प्रशासन की, ये सब जब इनके पास जनता जाती है तो एक दूसरे पर ये लोग जिम्मेदारियां डालते हैं, ये सब हमने देखा है। हम दूर क्यों जाएं, गुड़गांव की बात कर लें, यहां पर भी ये नजारा साफ है। कृष्णमूर्ति हुडा जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया, फिर मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। कृष्णमूर्ति जी, हाँ जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस समय हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हाँ। जो मौजूदा फैक्ट्रियां हैं उनको अभी तक पूरी सुविधाएं नहीं है। हरियाणा का इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली का रेट इन्होंने इतना बढ़ा दिया कि हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली हरियाणा में है। और सबसे बड़ी बात है कि इंडस्ट्रियल पीस भी नहीं है, यहाँ माहौल नहीं है, और जो ये निवेश कर रहे हैं ये एक ड्रामा है। मुख्यमंत्री, 1.5 साल हो गए इस सरकार को, 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट आया तो बता दो। MOU साइन तो लाखों करोड़ों के कर रहे हैं ये। हाँ। MOU तो लाखों करोड़ों के हो जाएंगे। हाँ। लेकिन जमीनी हकीकत में कुछ नहीं है। ठीक। अब भी जो हरियाणा के उद्योगपति है, हाँ, उनके बुला के 5-5, 10-10 हजार करोड़ का ये इन्वेस्ट के MOU साइन कर रहे हैं। ठीक है, हकीकत जमीनी हकीकत में जीरो है मामला। ठीक है, हम इस पर भी आते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, ये भी साफ है कि आपकी सरकार ने अभी तो बीजेपी सरकार को आगे और शासन करना है, अभी उसका कार्यकाल खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आपकी सरकार जो कार्यकाल खत्म कर चुकी है, जिसको जनता ने भी नकार दिया है, जो बुनियादी ढांचा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ना सिर्फ इस सरकार की बल्कि जो पूर्व की सरकार रही है उसने उस बुनियादी ढांचे को डेवलप करने के लिए क्या किया है? आज जो ढांचा हमारे सामने है उसका कसूरवार कौन है? ये सवाल अपने आप में बेहद अहम है, लेकिन हम मुद्दे पे आएंगे, हम बात MOU की भी करेंगे, हम बात करेंगे औद्योगिक शांति की भी, क्योंकि औद्योगिक निवेश पर लगातार जोर दिया जा रहा है, लेकिन औद्योगिक शांति भी एक बहुत बड़ा पहलू है। हाल ही में जाट आरक्षण आंदोलन की आग इस प्रदेश ने झेली है, आगे किस तरह की एक सुरक्षा व्यवस्था का खाका ये सरकार निवेशकों के सामने रखेगी, ये भी हम समझेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द दूंगा आज।
ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। मैं इस खेत दे विच दो साल पहला नवी मिट्टी पाई थी जी, इस करके इतने बिल्कुल फसल नहीं हो रही थी। मैं सरताज जिप्सम वरती, सरताज जिप्सम वरतन करके इतने बहुत वधिया फसल हुई है जी। इधर थोड़े सामने देखो फलियां कितने वधिया ले। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। क्या बिना तार का गिटार बजा सकते हैं? हम जानते हैं कि बिना गेंद के क्रिकेट नहीं खेला जा सकता। हरियाणा जानता है विश्व स्तरीय व्यापार को जरूरत होती है सर्वश्रेष्ठ प्रोत्साहन नीतियों की। भारत के 8 सर्वाधिक उन्नत औद्योगिक राज्यों की श्रेष्ठ नीतियों के संयोजन से हमने बनाई है आपके उद्योग के लिए एक दमदार प्रोत्साहन नीति। कितना ही बड़ा हो आपका स्वप्न, उसके प्रोत्साहन का है हमारा प्रयत्न। हमारी विशेष महानिवेश नीति से अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स को प्रोत्साहन। भूमि आवंटन के उपरांत उसकी कीमत में नहीं होगी कोई भी वृद्धि। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन तथा बिना गारंटी के लोन। हमारी रफ्तार को गतिशील करते युवा उद्यमियों के लिए 3 साल तक कर अवकाश। हरियाणा में मिलेगी आपको आपकी हर वांछित सुविधा एवं सहयोग। एक कंपनी तो आप कहीं भी खड़ी कर सकते हैं, पर हरियाणा में मिलेगा आपको पूरा राज्य। वो लूटते रहे, वो देखते रहे, वहां सब होता रहा और अंबाला सोता रहा। क्राइम रिपोर्ट में देखिए और वो लूटते रहे। खूबसूरत मखमली गुदगुदाता एहसास हो, शीतल हो, कोमल हो, कुदरती एहसास। रीवा, अ बीटिंग फोर्स इन स्टाइल। 2016 के लिए ICS कोचिंग सेंटर 50 लाख रुपए की छात्रवृत्ति की घोषणा करता है। अब की बार 12वीं क्लास के पेपर देने वाले छात्र इसमें एलिजिबल होंगे। 1 साल की तैयारी में सरकारी नौकरी पा सकते हैं। फ्री स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म ICS कोचिंग सेंटर के ऑफिस में अवेलेबल है। 1 अप्रैल से पहले सबमिट करवाना है। ICS कोचिंग सेंटर फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट लेगा, टेस्ट की भी फ्री तैयारी करवाएंगे। जो स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं, वे अप्लाई कर सकते हैं। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल, हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलन कर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। क्या आप बिना पानी के तैर सकते हैं? हम जानते हैं कि बिना गेंद के फुटबॉल नहीं खेला जा सकता। हरियाणा में आपके कारोबार को मिलेगी निरंतर गति। नियमित बातचीत और 3 स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से आपकी सफलता के रास्ते की हर रुकावट हम दूर करेंगे। नए उद्यमियों को प्रोत्साहन के साथ साथ हमारे राज्य के राजदूत यानी हरियाणा के मौजूदा उद्योगपतियों पर भी विशेष ध्यान। आपकी समस्याओं को सुनने और हल करने के लिए हर स्तर के निर्णयकर्ता सदैव तत्पर। सभी विभागों से जुड़े पुराने विवादों को सुलझाने की एक अनूठी पहल।
इतना ही नहीं, अपनी व्यापार संबंधी समस्याओं को हमारे खास वेब पोर्टल पर अंकित कर उनका जल्द निवारण पाएं। हरियाणा में आपको मिलेगा सब कुछ। आप एक कंपनी तो कहीं भी खड़ी कर सकते हैं, पर हरियाणा में आपको मिलेगा पूरा राज्य। ब्रेक के बाद बड़ी खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हैपनिंग हरियाणा के, आखिर ये कितना कामयाब हो पाया, क्योंकि आज इसका आखिरी दिन है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि सरकार पर स्मॉल उद्योगों की अनदेखी का आरोप हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जो है वो लगा रही है, निराश बताई जा रही। स्मॉल उद्योगों के लिए भी हैपनिंग हरियाणा की मांग जो है वो की गई है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात यहाँ पर है। HCCI स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए हरियाणा में कोई सुविधाएं नहीं है, ये HCCI का कहना है। सरकार का ध्यान सिर्फ बड़ी कंपनियों की तरफ है और बड़े उद्योगों की तरफ है। तो ये आपत्ति जो है वो हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने जताई है, जो कि निराश बताई जा रही है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता वीर कुमार यादव जी फोन लाइन पे हैं। महेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, हम वीर कुमार यादव जी के पास चलेंगे। वीर कुमार यादव जी, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के रूप में हमने देखा सरकार का, जिसमें निवेशकों को लुभाने की कवायद की गई, लेकिन एक सीधा सा सवाल है, दो अहम मुद्दे हैं इस मोर्चे पर, सरकार अभी तक जो है वो फ्रंट फुट पर नजर नहीं आई है, चाहे हम आधारभूत ढांचे की बात करें या फिर औद्योगिक शांति की बात करें, क्या कहेंगे आप? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन महेंद्र सिंह जी, जो रेलिवेंट सवाल हैं इन तमाम चीजों की हम बात कर रहे हैं, हालांकि HCCI ने भी अपनी आपत्ति दिखाई है, उसका कहना है कि छोटे जो उद्योग हैं उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, उसके लिए निवेशकों के लिए नहीं कहा गया है, आपको क्या लगता है इसके और क्या परसेप्शन हो सकते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं अपनी बात को बिल्कुल सही तरीके से रख रहे हैं, यानी कि आप बड़े इन्वेस्टरों को तो आप बुला रहे हैं, उनके लिए तमाम चीजें आप कर रहे हैं, छोटे जो उद्यमी हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट की आपके पास क्या है? सरकार ने भी इस तरह का कहीं कोई इंडिकेशन नहीं दिया है। और भुवन जी, एक बात और मैं आपको कहूंगा, आप टीम हरियाणा के रूप में कब काम करेंगे? जब काम करेंगे जब अंदर जो गहरे अंतर्विरोध हैं वो दूर होंगे, वो गहरे अंतर्विरोध अभी भी चल रहे हैं। बताओ, सरकार का एक मंत्री कल ही परसों स्टेटमेंट दे रहा है इसी हैपनिंग हरियाणा समिट को लेकर, तो ये क्या चीज है ये? तो सरकार को सबसे पहले जो अंदर का जो विश्वास है उसको बनाए रखना है, उससे बहुत दूसरे तरीके के मैसेज निकल रहे हैं, ये मैसेज रुकेंगे तो लोग बाग फिर दूसरे तरीके से सोचेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, आप माहौल कैसे बनाएंगे, आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आप कैसे डेवलप करेंगे, आप पहले अपने आप को तो देखो, इन्वेस्टमेंट तो आप करा रहे खूब, मैं फिर कह रहा हूं जो अच्छा डेवलपमेंट का काम कौन करेगी, लोकल बॉडीज करेगी, जिला प्रशासन करेगा, बिल्कुल हुडा करेगा, HSIIDC करेगी, तो ये जितनी भी डेवलपमेंट की एजेंसियां हैं इनमें आपस में किसी तरह का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है भुवन जी, पहली बात तो ये है। और तमाम ये डेवलपमेंट की एजेंसियां जो है 50-60% मैन पावर की कमी से जूझ रही है, स्थायी कर्मचारी और अधिकारियों की कमी से जूझ रही है, कोई प्लान नहीं है, कोई DPR नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, फिर दूसरी बात, सर्वे करवाते हैं, सर्वे लगातार इनके ऑब्जेक्शन लग रहे हैं, चंडीगढ़ में जाकर फाइल अटक जाती है। अरुण जेटली जी ने बिल्कुल सही कहा था, जो क्लियरेंस है उसको क्लियर करिए, वही बात नितिन गडकरी जी कह के गए थे, वही बात पीयूष गोयल जी ने आज कही है। तो ये जिस तरह की शंकाएं जाहिर की रही, अब जैसे मान लो पोल्यूशन की है या पर्यावरण की है, तो ये भरोसा आपको देना पड़ेगा कि आपकी फाइल कहीं नहीं रुकी। वही चीज है ना कि इतना वक्त हो गया सत्ता में आए हुए, कार्यकाल आप चला रहे हैं बीजेपी सरकार, और जो बातें केंद्र से निकल करके आ रही हैं, आपने तमाम मंत्रियों का हवाला दिया, बुनियादी ढांचे पर जोर देने की बात अरुण जेटली ने भी कही, नीतिगत सुधारों की बात उन्होंने कही, लेकिन बातें अगर की जा रही हैं तो इंप्लीमेंट नहीं की जा रही। सवाल ठीक है, ये कितना बड़ा नुकसान होगा प्रदेश का। चलिए, ये कंसर्न है, लेकिन कंसर्न हर कोई दिखा रहा है, इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया महेंद्र सिंह जी आपका, ये सवाल अपने आप में बेहद अहम है। और MOU तो साइन हो गए, करोड़ों रुपए
अब इस प्रदेश के अंदर आने की बातें कागजों तक तो आ गई हैं, लेकिन हकीकत में ये मूर्त रूप ले पाएंगी, ये अपने आप में एक बहुत प्रासंगिक सवाल है। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।